या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल पडेमिया। शनिचर दिनांक 28 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे बंबई के इस्लाम जिमखाना मरीन ड्राइव रेलवे स्टेशन के करीब मुंबई में मुस्लिम हक परिषद का आयोजन किया गया है। ये हक परिषद मुसलमानों के शिक्षण, आरक्षण और सुरक्षा के मुद्दों को लोगों के सामने लाएगी और उस पर पूरा दिन भर डिस्कशन चलेगा। इस हक परिषद के उद्घाटक हैं माजी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब, सदारत है इस सम्मेलन की माजी खासदार हुसैन दलवाई और विशेष अतिथि के रूप में माननीय शरदचंद्र जी पवार, माननीय नाना भाऊ पटोले, माननीय सलमान खुर्शीद, आमदार वर्षाताई गायकवाड, माननीय आदित्य ठाकरे, माननीय खासदार अरविंद सावंत जी, माजी सदस्य नियोजन आयोग के डॉक्टर सईदा हमीद, मोहम्मद अदीब जी, डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, आमदार अमीन पटेल, मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब, युसुफ अबरानी साहब, माजी आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान साहब और डॉक्टर वजाहत मिर्जा इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन लेने का जो उद्देश्य है, मकसद है, मुसलमानों के 5% आरक्षण जो 2014 में दी गई थी गवर्नमेंट के जरिए से, उस आरक्षण पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। उस आरक्षण का मेन मुद्दा इस आरक्षण इसमें उठाया जा रहा है। मराठा आरक्षण की बात बड़े जोर से हो रही है, गरीब मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका हम सब मुसलमानों की है। लेकिन उसी के साथ साथ मुसलमानों का जो हक और अधिकार है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर समिति, महमूदुर रहमान कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया है, जो सबसे पहले हक हमारा होता है कि आरक्षण लेने का, और वो आरक्षण देने के लिए कोई सरकारें काम नहीं कर रही है, इसलिए वो आरक्षण का मुद्दा लेकर पूरे महाराष्ट्र में हम ये मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अभी मैं 12-13 जिले घूम के आया, बंबई के इलाके में, कोकण इलाके में भी हुसैन दलवाई साहब और बाकी कार्यकर्ते घूम रहे हैं। बहुत अच्छा मुसलमानों में एक प्रतिसाद मिल रहा है और चिड़ भी आ रही है कि जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो गवर्नमेंट आ रही है और मुसलमानों के हक की बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा 15% कलमी जो कार्यक्रम है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए है, वो 15% कार्यक्रम पर अमल होने के लिए तैयार नहीं, उस पर कोई कमेटी जिला लेवल पर नहीं, वो भी मुद्दा हम यहाँ पर उठा रहे हैं। केंद्र और राज्य के बजट में हमारे जनसंख्या के अधिकार पर मुसलमानों को उसमें हिस्सेदारी निश्चित होना चाहिए। सभी शैक्षिक स्तरों पर मुसलमानों को 100% की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देना चाहिए। जिला स्तरीय हमको हॉस्टल की इंतजाम होना चाहिए। सांप्रदायिक दंगों के मामलों में त्वरित कानूनी समाधान हो और साथ ही साथ प्रत्येक पुलिस आयुक्तालय और जिला अधीक्षक कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मॉब लिंचिंग के खिलाफ विशेष फास्ट ट्रैक दलों की स्थापना हो। ऐसे सभी शिक्षा, आरक्षण और सुरक्षा के मुद्दे लेकर इस सम्मेलन होने जा रहा है। बहुत बड़े तादाद में लोग इसमें शरीक रहेंगे, ऐसा लग रहा है कि पूरे कार्यकर्ते इसमें काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं महाराष्ट्र में। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ते, पुरोगामी कार्यकर्ते, इस महाराष्ट्र को बनाने वाले सभी कार्यकर्ते इस सम्मेलन में शरीक रहे और इस सम्मेलन को कामयाब करें। मटन चिकन साठी प्रसिद्ध असलेले सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडेमिया, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीक, चिकन 65 आदि मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। मटन मध्ये बीफ मटन राइस, बीफ चीज अंगुरी, बडेमिया स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कड़ी, खीमा मसाला। चिकन मध्ये चिकन राइस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडेमिया चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन मसाला असे भरपूर आइटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफ से स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध। स्वस्थ आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। आमचा पता हॉटेल बडेमिया, विजापूर बेस, सोलापूर।